नेता जी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा और कई राज्यों के सीएम भी सैफई में मौजूद हैं। नम आंखों से अंतिम विदाई देने के लिए राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार नेताजी का किया जाएगा और यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक भी मनाया जाएगा। कई हस्तियां इस वक्त मौजूद हैं और जिस तरीके से हमारी सहयोगी रीमा बता रही थी कि नेता होना बड़ी बात नहीं है, नेताजी कहलाना बड़ी बात है और ये जो हजारों लोगों का समूह जनसैलाब वहां पर उमड़ा है ये बताने के लिए काफी है कि वाकई उनका कद क्या था भारतीय राजनीति में। बिल्कुल, और कद क्या था अगर ये समझना है, ये जानना है, तो उसके लिए तस्वीरें बकायदा काफी हैं। सैफई की जमीन से जो है शुरुआत की थी राजनीति की और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बाद राजधानी दिल्ली तक कदम रखा था। निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव का जाना भारतीय राजनीति में एक ऐसा शून्य छोड़ गया है जो लंबे अरसे तक भरा नहीं जा सकेगा। और मुलायम सिंह यादव की राजनीति सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं थी, वो देश में भी एक बड़े नेता थे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए थे, खासतौर से पाकिस्तान और चीन की सीमा पर, जो जिसके लिए वो याद किए जाएंगे, चाहे वो लड़ाकू विमानों की खरीद हो, चाहे वो भारतीय सैनिकों को जब वो शहीद हो जाते थे उनके शव नहीं आते थे हिंदुस्तान में, उनके घरों तक सिर्फ टोपी और बेल्ट आया करती थी। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने रक्षा मंत्री होते हुए फैसला लिया था कि अगर कोई सैनिक शहीद हो जाता है कर्म भूमि में, अपने अपने कर्मपथ पर शहीद हो जाता है, तो उसके परिवार के लोगों तक उसकी जो उसका जो शव है वो पहुंचना चाहिए ताकि वो लोग अंतिम दर्शन कर सकें और अंतिम क्रिया अपने मत के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार कर सके। तो मुलायम सिंह यादव ने रक्षा मंत्री के रूप में देश में एक एक नई तरह की सियासत को भी लाने की कोशिश की थी, एक नया गठबंधन खड़ा करने की कोशिश की जिसमें गैर बीजेपी गैर कांग्रेस दलों को मिला करके एक प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने की कोशिश उन्होंने की थी, सफल नहीं हो पाए उन्होंने। और वो टीस हमेशा से मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक सफर में उनका पीछा कभी उसने नहीं छोड़ा, जब भी पूछा जाता था वो टाल जाते थे उस बात को, लेकिन इतना जरूर मानते थे कि हाँ कोशिश की थी मैंने। और कहा यह भी जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने एक ऐन वक्त पर वीटो लगा दिया और एचडी देवेगौड़ा के नाम की लॉटरी निकल गई थी और वो फिर सब कुछ इतिहास हो गया। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव हिंदी बेल्ट के दो ऐसे ओबीसी नेता थे जो दिल्ली की राजनीति में धमक के साथ राजनीति करते थे, उनके अपने वोट बैंक थे। मुस्लिम यादव समीकरण का जो उन्होंने प्रयोग किया था, चाहे उसके लिए हिंदू विरोधी छवि अपनी खुद की क्यों ना गढ़नी पड़ी, राम मंदिर आंदोलन को की धार कुंद करने के लिए गोली क्यों ने चलवानी पड़ी, इन सबके बावजूद मुलायम सिंह यादव ने MY समीकरण के जरिए देश की संसद में, एक समय ऐसा हुआ करता था UPA 1 की सरकार में जब उनके रहमो करम पे सरकार टिक गई थी, जब लेफ्ट ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, तो मुलायम सिंह यादव ने उस सरकार को बचाया था और उस बात का एहसान कांग्रेस जीवन भर मानती रही है। अलग बात है कि बाद में CBI के जब केसेस हुए, आय से अधिक संपत्ति के केस हुए मुलायम परिवार के ऊपर, तो उसको लेकर के बहुत दोनों दलों के बीच तल्खियां भी हुई। फिर उसके बाद समझौता हुआ और दो लड़के यूपी के अखिलेश और राहुल गांधी इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आए थे, हालांकि वो सफलता नहीं मिली जो उनको लगता था कि इस गठबंधन के बाद मिल जाएगी। मुलायम सिंह यादव की अगर बात करें हम, मुलायम सिंह यादव को तकरीबन 1.5 दशक से तो मैं बहुत करीब से देख रहा था। मुलायम सिंह यादव की राजनीति, उनका रहन सहन, उनका उनका चेहरा, और बिना देखे बहुत अच्छा भाषण वो